हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 56 डेज। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 48 डेज। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज दी हुई हैं, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कह रहा है कि अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स, तो नंबर ऑफ मशीन्स ये है पहली क्वांटिटी। अब कह रहा है टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 56 डेज, ये आपकी है दूसरी क्वांटिटी, मीन्स नंबर ऑफ डेज। तो कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसमें कि 42 मशीन्स मिल करके प्रोड्यूस कर रही हैं कुछ आर्टिकल्स इतने दिन में, 56 डेज में। अब देखिए, दूसरा जो सेंटेंस होगा ना, इसमें इन दोनों में से कोई एक गायब कर देगा और दूसरे की संख्या बदल देगा। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हाउ मेनी मशीन्स, देखिए हाउ मेनी मशीन्स मीन्स इसको नहीं दिया है, उसको पूछ लिया है, वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब देखिए, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए 48 डेज में कितने मशीन्स लगेंगे, ये पूछा है। नंबर ऑफ डेज दे दिया, एक क्वांटिटी जरूर देगा। तो यहां पर पहले चेक करेंगे कि ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं, मतलब कि नंबर ऑफ मशीन्स एंड नंबर ऑफ डेज, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मशीन्स को या तो इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चेंज हो रहा है। यदि हम 42 मशीन्स का संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज जो है कम लगेगा कुछ आर्टिकल्स बनाने के लिए, है कि नहीं। जैसे कि यदि मशीन आपकी 42 है तो 56 डेज लग रहा है, यदि मान लीजिए 50 होते तो 56 डेज नहीं लगते बल्कि कम लगते, क्योंकि जो 8 मशीन्स जुड़ जाते इसमें, 50 हो जाते तो 8 मशीन जुड़ जाते, तो 8 मशीन्स कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर देते ना, तो 56 डेज नहीं लगता बल्कि और कम लगता। तो ये बढ़ रहा है, देखिए नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो 56 डेज मतलब नंबर ऑफ डेज ये घट रहा है। ओके, तो इसका मतलब कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है, क्या नंबर ऑफ मशीन्स है नंबर ऑफ डेज। तो अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे। तो इस पहले पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो नहीं पता हमें, क्या नहीं पता, हाउ मेनी मशीन्स, तो लेट the number of let the number of machines be x। okay, सिंपल में लिख लीजिए, या फिर यहां पर लिख सकते थे आप let the required number of machines, ये सही रहता है। अब लीजिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मशीन्स इज इक्वल टू एक्स। अब हम यहां पे क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो वी हैव, टेबल बना लेते हैं पहले। ओके, तो अब मैंने टेबल बना लिया है। अब नंबर ऑफ मशीन्स कितने हैं, पहली पहली बार 42 मशीन्स हैं, तो यहां लिख देंगे 42। और फिर नंबर ऑफ डेज कितना लगा, मशीन्स मैंने 42 मशीन्स को कुछ आर्टिकल्स बनाने में कितना लगा, 56 डेज। ठीक है, 56 डेज, तो लिख सकते हैं आप डी फॉर डेज। और नंबर ऑफ मशीन्स का तो कुछ नहीं लिखना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए नंबर ऑफ मशीन्स दूसरी बार में क्या है वो हमें नहीं पता, नंबर ऑफ मशीन्स को हमने माना है एक्स, लिखेंगे एक्स। और जो नंबर ऑफ डेज है वो पता है हमें 48 डी। ओके, अब हमें करना क्या है कि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज जो हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो लिख देंगे यहाँ पर सिंस द नंबर ऑफ मशीन्स एंड द नंबर ऑफ डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या करेंगे, देखिए जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दो क्वांटिटीज, तो क्या करते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, मींस 42 इंटू 56, वो इक्वल होता है इच केस में। तो यहां पर हो जाएगा इतना, तो ये जो है इक्वल आएगा x इंटू 48 के। ओके, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे सिंपल। यहाँ पर x की वैल्यू होगी, देखिए 42 इंटू 56 अपॉन 48, 8 7 जा सॉरी 8 6 जा 48,
और 8 7 56, फिर यहाँ से 6 7 6 और 6 7 42, 7 7 49। तो आपका जो एक्स आया है वो 49 आ गया। 49 मतलब 49 days, सॉरी डेज नहीं है बल्कि इतना 49 मशीन्स। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि हैंस द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 49। ओके, आपका यही आंसर होगा। यदि आपको सोल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।